हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंदना। आज अपन बात करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो जूलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, यानी कि सेक्शन सी है, जो उसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, क्या क्या इसने। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ये क्या क्या काम कर सकती है या क्या क्या कर चुकी है कार्य, तो उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला है उन्नत फसलों का विकास, यानी कि उन्नत फसलों के विकास से क्या तात्पर्य है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बीज तैयार किए गए हैं जो कि अधिक उत्पादक व अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। जिन बीजों को यदि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाए तो उत्पादन अधिक होता है, अर्थात पौधा अधिक शाखित व बालियों वाला होता है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बीज ऐसे तैयार किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बीज तैयार करे गए हैं जो कि मतलब ज़्यादा फल देने वाले हों, मतलब जिनसे ज़्यादा हमको लाभ प्राप्त हो किसानों को, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे विकसित किए गए। तो वही ये कहना चाह रहा है, जिन बीजों को यदि कम वर्षा वाले, जैसे अपन ने देखा होगा कि कई जगह पर पानी की कमी होती है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं, उत्पादन अधिक होगा तो लाभ अधिक होगा और पौधा अधिक शाखित होगा। तो अर्थ ये है कि, तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है उन्नत फसलों के विकास में, जैसे बीटी कपास तैयार की गई जो बैसिलस थुरिएंसिस के प्रति वो होती है, रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोधक होती है। और दूसरा पोमाटेटो, यानी कि पोटैटो और टमाटो दोनों से मिल करके बनी है एक किस्म पोमाटेटो। इसमें क्या होता है कि नीचे की साइड तो आलू लगे होते हैं और ऊपर की साइड वो लगे होते हैं टोमेटो, तो मतलब उससे अधिक उपयोगी बनाया गया प्लांट को, तो पोमाटेटो विकसित की गई। अब सेकंड आता है खाद्यान्न गुणवत्ता में सुधार, यानी कि खाद्यान्न गुणवत्ता में सुधार का क्या तात्पर्य है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खाद्यान्न गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, अर्थात बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को खाद्य पदार्थों में पनपने से रोका जाता है। कैसे कि जो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि टमाटर की जो फ्लेवर शेवर किस्म है, नाम सुनाओ, टमाटर की फ्लेवर शेवर किस्म बायोटेक्नोलॉजी की मदद से विकसित की गई है। इसमें क्या होता है कि पेक्टिनेज एंजाइम की कमी कर दी जाती है। अब पेक्टिनेज एंजाइम होता क्या है? पेक्टिनेज एंजाइम वो होता है कि जो टमाटर मतलब एक तरह का गलाने का, यानी कि जल्दी गल जाता है टमाटर पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से। अगर पेक्टिनेज जो एंजाइम है वही हम कम कर देंगे, वो किसकी हेल्प से करें, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो वो कम कर देंगे तो टमाटर ज़्यादा उपयोग में लाया जा सकता है, अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तो इस तरह से खाद्यान्न गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में कैसे होगा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प। तो ऐसे देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, यानी कि अर्थात ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि अदर बैक्टीरिया वायरसेस को मारते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अब ये सोच रहे होगा कि बैक्टीरिया वगैरह, मतलब अगर अदर बैक्टीरिया जो अपन को हानि पहुंचा रहे हैं उसको मार देगा कोई दूसरा बैक्टीरिया जिसको अपन ने विकसित करा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा, यानी कि प्रदूषण वगैरह नहीं होगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पर्यावरण संरक्षण का रिमीडिएशन। अब रिमीडिएशन क्या होता है कि समुद्रों में पहले जैसे मतलब तेल वाले जहाज लाए जाते थे, तो तेल जो होता है उसकी एक लेयर जमा हो जाती थी वहाँ पर पानी के ऊपर, तो वहाँ से क्या होता था कि O2 CO2 का आदान प्रदान नहीं होता था, क्योंकि तेल की एक परत जमा हो जाती थी इस वजह से। तो इससे क्या बोलते हैं, जो पानी में अपन अपने वो जो पानी में रहते हैं जीव, वो मरने लगे। अब क्यों मरने लगे? क्योंकि O2 उनको मिलेगी नहीं, O2 CO2 का आदान प्रदान ही नहीं होएगा, तो कहाँ से वो मतलब। तो इस तरह से उनको बैक्टीरिया खोजे गए हैं, यानी कि उनको जो ऊपर तेल की परत है ऐसे बैक्टीरिया खोजे गए, उसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जिसको बोलते हैं सुपरबग। आनंद मोहन चक्रवर्ती साइंटिस्ट के थ्रू खोजा गया था स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये जो ऊपर जो तेल वगैरह होता है उसको खा जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि तेल की जो परत है वो हट जाती है। अब तेल की परत हटेगी तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा, और O2 CO2 का आदान प्रदान होने से क्या होगा कि जो जलीय जीव हम मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, यानी कि संरक्षित रहेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट, आता है जीवन स्तर में सुधार। अब जीवन स्तर में सुधार क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी जीवन स्तर में सुधार लाई है, यानी कि ये है कि
यदि हमें इंसुलिन का उत्पादन अधिक पैमाने पर करना है तो क्या करेंगे, उसको इंसुलिन का जीन निकालेंगे। तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी जीव वगैरह से ले लिया जीन, हर बार लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसकी मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू, यानी कि प्लाज्मिड के अंदर उस जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र करके क्या किया जाता है कि जो प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफ़र किए, फिर जो प्लाज्मिड होता है उसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करने से वापस से उस जीन की बहुत सारी कॉपी बनाई जा सकती है। यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है अधिक पैमाने पर किससे प्राप्त किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो किसका ही पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो इस तरह से अगर इंसुलिन के अधिक टीके बनाने हैं तो उसके लिए भी क्या जीवन स्तर में सुधार आ गया बायोटेक्नोलॉजी मदद से, यही कहना चाह रहा है। तो आज अपन ने पढ़ा है, हाँ, तो स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आज अपन ने पढ़ लिया है। पहला पढ़ा उन्नत फसलों का विकास, दूसरा खाद्यान्न गुणवत्ता में सुधार, तीसरा पर्यावरण संरक्षण में जिसका एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने रिमेडिएशन स्यूडोमोनास प्यूटिडा का, जो सुपर बग के नाम से भी जाना जाता है, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने खोजा था। और लास्ट है जीवन स्तर में सुधार का अर्थ है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन का अधिक पैमाने पर प्रोडक्शन करवाना। तो ये आज अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।